आई। सीता, मैं कितना खुश नसीब हूँ जिसे तुम मिल जाओ। उसे जिंदगी में क्या सोच रही हो रहा था? अब क्या सोचना, जो भी मांगा था भगवान ने सब कुछ तो दे दिया मुझे। बस अब तो यही प्रार्थना है, मेरी झोली जो खुशियों से भरी है उसमें। तैयार हो गई? जवानी में हिसाब नहीं तेरा, गोरा रंग होंठ लाल तेरी क्या धूम मिसाल। शायर की गजल किसी झील का कमल। जी हाँ, इस गाने से जिस चुलबुली शौक और सम्मोहक अभिनेत्री का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है वो है हेमा मालिनी, भारत की ऐसी नायिका जिसे स्वप्न सुंदरी कहा गया। सबसे मजेदार बात ये, स्वप्न सुंदरी हेमा मालिनी महानायक अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई यश चोपड़ा की फिल्म बागबान में, और सब लोग दंग रह गए इस उम्र में भी उनकी बला की खूबसूरती को देखकर। तनिक शर्म नहीं आए, देखे नहीं अपनी उमरिया। हेमा मालिनी के लिए सफलता का ये सफर बड़ा आसान नहीं रहा। 15 साल की उम्र में एक तमिल फिल्म के लिए उन्हें बुलाया तो गया, लेकिन ये कहकर उन्हें वापस भेज दिया गया कि वो बहुत दुबली हैं। इसके बाद हेमा मालिनी अपनी नृत्य की दुनिया में लौट गई। इसके बाद दक्षिण के निर्माता अनंत स्वामी ने आगे चलकर अपनी एक फिल्म में हेमा मालिनी को पहला मौका दिया। उन्हें नायिका बनाया गया राज कपूर के सामने, जो उम्र में उनसे कहीं बड़े थे। इस फिल्म के प्रचार में हेमा मालिनी को स्वप्न सुंदरी या ड्रीम गर्ल हेमा कहकर संबोधित किया गया था। फिल्म थी सपनों का सौदागर। हेमा मालिनी की पहली सफल फिल्म थी विजय आनंद की जॉनी मेरा नाम, जिसमें हेमा मालिनी को एक अच्छी और संवेदनशील भूमिका के लिए काफी सराहना मिली। बाबुल प्यारे। दोस्तों, ये वो दौर था जब वैजंती माला फिल्मों से संन्यास ले चुकी थी। माला सिन्हा और आशा पारेख का करियर ढलान पर था। फिल्म संसार को जरूरत थी एक ऐसी नायिका की जो अपनी सुंदरता और अदाओं के जलवे बिखेर कर सबको सम्मोहित कर ले, फिल्म के दृश्य पर छा जाए। हेमा मालिनी ने ठीक यही किया। सन 1972 में रमेश सिप्पी की फिल्म सीता और गीता के जरिए तो जैसे अपनी दोहरी भूमिका में हेमा मालिनी ने ऐसी जादू की छड़ी घुमाई के घर घर में उनके चर्चे होने लगे। ये अपने दौर की बड़ी सफल फिल्म थी।
ओ साथी चल, तू मुझे लेके साथ चल, यूं ही दिन रात चल तू। फिल्म सीता और गीता के साथ ही वो जोड़ी जो फिल्म संसार की राहों से जीवन की राहों तक एक हो गई और हेमा बन गई धर्मेंद्र की जीवन संघनी। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि फिल्म शोले के जरिए हेमा मालिनी को फिल्म संसार के छोटी सी नायिकाओं में गिना जाने लगा था, लेकिन सच तो ये है कि शोले से पहले ये तमाम फिल्में आ चुकी थीं जिसका जिक्र अब तक हमने आपको किया है। अब बात हो जाए फिल्म शोले की। हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो। अपने करियर में हेमा मालिनी ने कुछ बड़ी संवेदनशील भूमिकाएं की हैं जिनसे ये साबित हो गया है कि ये खूबसूरत अभिनेत्री सौंदर्य और अभिनय प्रतिभा का अनूठा संगम है। गुलजार के साथ हेमा मालिनी ने लगभग 4 फिल्में की हैं। सन 1975 में आई थी फिल्म खुशबू, सन 1977 में आई थी फिल्म किनारा, सन 1979 में आई थी फिल्म मीरा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी सौंदर्य और साहस की जोड़ी थी। नायिका हेमा मालिनी का सौंदर्य और नायक धर्मेंद्र का साहस पर्दे पर खूब सराहा गया। देसी आया देश में, देश से मेरे गांव में, गांव। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने एक साथ कुल 28 फिल्में की हैं। आइए याद करें इनमें से कुछ फिल्मों को। फिल्म राजा जानी, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी की फिल्म नया जमाना, रामा रामा गजब हुई गवारे, हाल हमरा अजब हुई। कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान, दोस्तों हेमा मालिनी ने कई नायकों के साथ काम किया। फिल्म लाल पत्थर में थे उनके नायक राजकुमार, फिल्म प्रेम नगर में उनके नायक थे राजेश खन्ना, फिल्म जॉनी मेरा नाम तेरे मेरे सपने और जोशीला में उनके नायक थे देवानंद, फिल्म 10 नंबरी, फिल्म क्रांति और फिल्म सन्यासी में हेमा मालिनी के साथ थे मनोज कुमार। चल सन्यासी मंदिर में तेरा चिमटा, त्रिशूल, नसीब, देश प्रेमी, नास्तिक और सत्य पे सत्ता में हेमा मालिनी के साथ थे महानायक अमिताभ बच्चन। झुका के सर को पूछो मैडम, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। दोस्तों हेमा मालिनी का करियर कई मोड़ से होकर गुजरा है। इस दौरान उन्होंने नृत्य से अपने अनुराग को कायम रखा है। आज भी वो मंच पर अपनी नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत करती रहती हैं। नव कल्पना नव रूप से रच, उनकी दोनों बेटियां आहना और ईशा उनका साथ निभाती हैं। ईशा तो फिल्मी दुनिया की एक अच्छी नायिका के रूप में स्थापित भी हो रही हैं, लेकिन हेमा मालिनी के साथ हैं उनके सुनहरे करियर की यादें। गोरी तोरी पहचनिया, हेमा मालिनी ने एक फिल्म का निर्देशन भी किया था। इस फिल्म के नायक थे शाहरुख खान। ये फिल्म थी दिल आशना है। गिर गया झुमका गिरने दो